देखते हैं टेबल के बारे में, तो टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। देखिए देखते हैं, आप लोग यदि लिखते हैं इसके बीच में चाहते हैं हम टेबल लगा दें, जैसे आप बायोडाटा बना रहे हैं या कोई चीज रिज्यूम बना रहे हैं उसमें आपको क्वालिफिकेशन का चार्ट देगा, तो चार्ट लेना है, जैसे 10th कब किए, 12th कब किए, उसके बाद बीए कब किए, तो उस तरह से आपको कॉलम रो कॉलम लेना होगा, तो हमको टेबल का जरूरत होगा, तो टेबल में जाना होगा और यहाँ पे कितना टेबल लेना है, तो एक टेबल लेना है, दूसरा लेना है, तीसरा लेना है, चौथा लेना है, जितना आपको मर्जी है उतना ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, हमको देखिए जैसे हम सिलेक्ट कर रहे हैं उतना खाली आ रहा है, इतना टेबल लेने के बाद अब जैसे टेबल लीजिएगा तो इसमें बारी बारी से आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, तो टेबल इंसर्ट जैसे वन में लिखिए, टू यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप लोग एरो से नीचे चले जाइएगा, टू लिख दीजिएगा, फिर क्या कीजिएगा, थ्री लिख दीजिएगा और एरो से नीचे जा करके फोर लिख दीजिएगा, यहाँ पे नंबरिंग हम डाल दिए। अब देखिएगा यहाँ पे टेबल जो हम बनाए हैं सबका लगभग में खाली जो है बराबर है, बराबर है कि नहीं, तो ये आप नंबर लिख रहे हैं, यहाँ पे नंबर लिख रहे हैं तो नंबर का कॉलम तो हमको कम होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो इसको क्या कीजिएगा, छोटा करने के लिए इस पे माउस पॉइंटर को रखिएगा, तो देखिए दोनों तरफ से एरो लग गया है, तीर का निशान लग गया है, तो इसको लेफ्ट बटन को दबाते हुए आपको क्या करना है, इधर लेफ्ट की ओर खींचना है, तो देखिएगा इस तरह से हम करते हैं कि ये आपका बड़ा हो गया। अब यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं, जैसे नेम लिखना चाहते हैं, नेम लिख दिए, नेम लिखने के बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा फादर से नेम लिख दीजिएगा, तो टैब दबाइएगा तो एक कॉलम आगे चल जाएगा, टैब से क्या होता है एक कॉलम आगे चल जाएगा। अब इस तरह से लिखते लिखते आप जब यहाँ तक आइएगा तो तब ये भी आपको चार कॉलम तक तो लिख लिए, आपको इच्छा हो गया अब दिमाग में आया नहीं और हमको पांचवा कॉलम भी लेना है, तो क्या कीजिएगा इंसर्ट में जाना है और फिर कॉलम लीजिएगा, देखिए इससे अब क्या प्रॉब्लम आएगा आपको, अब ये टेबल आप बनाए हुए हैं और इस टेबल में हम जब फिर से टेबल लेंगे तो इसके अंदर टेबल ओपन हो जाएगा, तो हम टेबल लेके देखते हैं तो देखिएगा उसी के टेबल के अंदर टेबल जा रहा है, क्योंकि टेबल के अंदर क्या जा रहा है, टेबल के अंदर टेबल जा रहा है कर्सर पे जहां पे, तो ये रूल तो आपका काम करेगा नहीं, तो हमको आगे बढ़ना है, तो वैसे कंडीशन में हमको क्या करना है, टैब को दबाना है, क्या करना है, कॉलम को बढ़ाने के लिए हमको फिर से टैब का प्रयोग करना है, टैब जैसे ही प्रयोग कीजिएगा तो एक और दे देगा, तो अब यहाँ पे 5 नंबर दे दीजिए, अब जितना टैब मारिएगा, देखिए टैब मारिएगा तो आगे जाएगा इस कॉलम में बारी बारी से, जब टैब मारते मारते आपका ये कॉलम इंट हो जाएगा फिर टैब दबाइएगा फिर एक चार्ट दे देगा, तो इस तरह से आप टैब मारते जाइएगा आपका टेबल देते रहेगा, ठीक है, तो जितना मर्जी है उतना टेबल ले, इधर से अगर घटाना हो एक कॉलम तो, इधर से आपको घटाना है तो घटाने के लिए तो नहीं बताया, तो घटाना है तो उसके लिए बता रहे हैं, तो अब देखिए ये टेबल हम समझ गए, अब इसको घटाना है, आपको छांटना है, आप सोचते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है, ये कॉलम फादर्स नेम वाला है, ये कॉलम फादर्स है, यहाँ पे रोल नंबर के लिए जैसे रोल नंबर के लिए दिए है, तो इसके बाद आपको कुछ और चीज लिखना है, तो अब सोचते हैं यहाँ पे दो कॉलम मेरा बढ़ गया या ज्यादा हो गया तब क्या कीजिएगा, तो ऐसे कंडीशन में आपको इसको डिलीट करना होगा, तो इसको डिलीट करने का तरीका आप समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे देखिएगा जब हम यहाँ पे रखते हैं तो अलग टाइप का एरो बनता है, ऊपर नीचे दोनों एरो बनता है, लेकिन यहाँ पे हम जब चलते हैं यहाँ पे तो देखिएगा एक सिंबल बनेगा ऐसे करके नीचे की ओर, तो ये इंडिकेट कर रहा है नीचे की ओर सेलेक्ट कीजिए एक टेबल को, ये क्या है कॉलम है कि रो है ये बताइए, रो और कॉलम में अंतर समझते हैं ना, तो कॉलम मीन्स देखिए ये हो गया आपको रो हो गया, रो अब कॉलम हो गया ये खड़ा, अब याद कैसे रहेगा, आप लोग जब मकान बनाते हैं पिल्लर डालते हैं ना, तो जो खंभा खड़ा होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉलम, कॉलम नहीं कहते राजमिस्त्री सब क्या था कॉलम खड़ा करो ऐसा कहता है, तो कॉलम याद रहा तो रो ऑटोमेटिकली उल्टा हो जाएगा, तो ये आपको क्या होगा, ये नीचे जो गिरा हुआ है उसको रो कहते हैं, जो खड़ा है उसको क्या कहते हैं कॉलम कहते हैं, अब कॉलम को हमको हटाना है, ठीक है, तो हटाते हैं तो इस पे हम जैसे ही एरो का सिंबल बनेगा इस पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा, बिना सेलेक्ट का काम होता है नहीं होता है, तो अब ये सेलेक्ट हो चुका है, अब क्या कीजिए इस पे माउस पॉइंटर रखिए, किस पे, सेलेक्टेड एरिया पे,
सेलेक्टेड एरिया पे माउस पॉइंटर को रखिए, ऐसा नहीं कीजिएगा बाहर में रख दीजिएगा, राइट क्लिक कर दीजिएगा तब आपका डिलीट नहीं होगा। आप राइट कीजिएगा किस पे, सेलेक्टेड एरिया पे आप राइट क्लिक कीजिएगा। तो राइट क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का चार्ट देश, चार्ट में देखिए आपको डिलीट कॉलम है, क्या रो है लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि हम रो को तो सेलेक्ट किए नहीं है, तो हम डिलीट कॉलम को कर देंगे। तो कॉलम्स है तो एक से अधिक है, इसीलिए तो इसको हम डिलीट कर देंगे। हट गया कि नहीं, उधर से हट गया, हट गया। अब फिर जरूरत होगा आपको, जैसे यहाँ पे पी हो गया या कोई भी चीज बनाइएगा, डी हो गया, चलिए अब आपको ई भी एक कॉलम लेना है मान लेते हैं, तो ये आपको बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाइएगा, नहीं हो सकता है आपको ऐड करना है, इसके बीच में ऐड करना है, यहाँ भी कुछ टैप कर दिए हैं, यहाँ पे भी रोल नंबर में कुछ डाल दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ पासवर्ड है मान के चलिए डाले हुए हैं, कुछ भी है, और आपको यहाँ पे नेम है। आप सोचते हैं इसके और इसके बीच में हमको एक और कॉलम चाहिए, तब कैसे लाइए, तब कैसे लाइए, यहाँ भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो लाने का सिस्टम समझ लीजिए, वही तरीका अपनाना है आपको, एक इसको सेलेक्ट करना है जहाँ पे लाना है, इसको आगे वाला को सेलेक्ट कीजिएगा तो ठीक है, पीछे वाला को भी कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं, जिसके बगल अगल में लेंगे उसको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट कर लिए, फिर वही तरीका अपनाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, राइट क्लिक किए और यहाँ पे देखिएगा इंसर्ट लिखा हुआ है, इंसर्ट लिखा हुआ है ना, तो इंसर्ट मीन्स क्या होता है बताए, इंसर्ट मीन्स लाना, तो हमको कौन चीज का लाना, कौन चीज को लाएंगे, अभी कॉलम को लाएंगे, तो जिसको सेलेक्ट कर, यदि रो को हम लाएंगे तो रो को सेलेक्ट करेंगे, कॉलम को लाएंगे तो कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। तो इंसर्ट जैसे ही कीजिएगा तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, अब ये जो है आपके लेफ्ट साइड में आएगा, ये फर्स्ट वाला पे क्लिक कीजिएगा, तो हम सेलेक्ट किए राइट वाला ना, तो ये कराए जो कॉलम आप सेलेक्ट किए हैं उसके लेफ्ट साइड में लाना चाहते हैं कि राइट साइड में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना लेफ्ट की ओर लाना है या राइट की ओर लाना है, तो हमको राइट में लाना है तो राइट पे क्लिक कर देंगे, तो चलिए राइट पे हम क्लिक कर देते हैं, तो देखिएगा एक आपको कॉलम दे दिया, ये हम सेलेक्ट किए थे, अब एक नया कॉलम आपको दे दिया कि नहीं, अब समझ गए, लाने के लिए भी और हटाने के लिए भी कोई दिक्कत है। अब किसी किसी को दिमाग में आएगा, सो हमको सर बता दिए हैं यहाँ पे कॉलम लाने के लिए, रो कहाँ लाने के लिए बताए, तो सेम फॉर्मूला है, आपको इधर से सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम कुछ भी दे देते हैं, की भी दे देते हैं, नामकरण कर दिए हैं, अब यहाँ पे देखिएगा हमको इधर से बढ़ाना है तो ये भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान दीजिएगा इसको सेलेक्ट करना होगा, तो जैसे इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ऐसे सेलेक्ट करना है, यदि कोई चीज लिख लिए है बीच में कोई चीज इंसर्ट करना है, टेबल को लाना है, कभी कभी ऐसा भी होता है नाम लिखते जाइएगा, 10 तरह का नाम 10 एंट्री कर दिए, बीच में 6 के बाद 7 में हमको किसी का नाम डालना है, ऐसा भी हो जाता है, यदि आप कोई नामांकन करके यहाँ पे 6 देखिए 6 लिखना है, उसके बाद 7 लिख दीजिए, उसके बाद 8 लिख दीजिए, उसके बाद 9 लिख दीजिए, और उसके बाद 10 लिख दीजिए, 10 तो लिख दिए, 10 लिखे आपको जरूरत हो गया इसमें राम मोहन सोहन ईटीसी लिख दिए, यहाँ पे आप कोई सूची बना रहे हैं, अब वो आदमी कह दिया आपको ये जो है 4 के बाद ही होना चाहिए उसका नाम, आप 10 नंबर में उसका नाम दे दिए, गलत हो गया, तो इसी स्थिति में आपको 4 नंबर को सेलेक्ट कर लेना है, अब इसको सेलेक्ट करना है और जहां पे लगाना है राइट क्लिक करना है, इंसर्ट करना है, अब यहाँ पे आपको ऊपर में देना है कि नीचे में, तो 4 के नीचे में देना है तो हमको कहाँ पे बिलो करना है, बिलो मीन्स क्या होता है नीचे, तो नीचे कर देंगे तो नीचे वाला कॉलम हमको दे देगा, तो क्या 4 नंबर से यहाँ पे 5वां नंबर खाली हो गया ना, तो आपको यहाँ पे नंबर तो अपना हाथ से दिए, नंबर तो गलत होगा ही, क्योंकि यहाँ पे अब क्या कीजिएगा, अब आपको नंबर को सही करना होगा, 5 दे दीजिए, उसके बाद इसको मिटा के 6 दे दीजिए, इस तरह से नंबर को मिटाना पड़ेगा, एक्सेल नहीं है आपको ऑटो ले ले, इसमें भी लेगा लेकिन फॉर्मूला लगाना होगा, लेकिन एक्सेल में ऐसा नहीं होता, एक बार खींच दीजिएगा तो एक ही बार में आपका नंबर काउंट कर देगा, तो समझ गए टेबल के बारे में, टेबल में कोई दिक्कत होगा किसी को भी, तो टेबल अब कैसे बायोडाटा बनाएंगे या कोई भी रिज्यूम बनाएंगे या कोई भी डाटा एंट्री का काम करेंगे तो रो कॉलम में इंसर्ट कर सकते हैं, समझ गए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। अब ऑफिस में काम कीजिएगा तो इसका जरूरत हमेशा पड़ेगा, तो जो चीज जरूरत वाला है उसको तो लेना है, एग्जाम में पूछेगा ही, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा, जो ऑफिस में वर्क होता है उसको ज्यादा ध्यान में रखना है
यदि आप प्रैक्टिकल नहीं कीजिएगा तो आपको होगा नहीं। तो इसको प्रैक्टिकल भी करना है, आपके सामने में हम दिखाएंगे, आप लोग को करवाएंगे, तो आप लोग को भी करना है।